सारा भोज सुखू बाबू की ओर से हर रविवार को होता है। आर के सोनी भी आते हैं महीने में एक बार, जगदीश सैनानी भी आते हैं। इस भोज से बड़ा कोई भोज है नहीं। मिल रहा है भैया, बातें दो सबको देने दो। हाँ मिल रहा है रुको, दे रहे हटो भाई, हटो अलग खाओ, चलो ऐसा ना करें, बहुत मान रखा। मिल रहा एक बंदर को मैंने अंगूठा चला लगा ले पूरा खून लोग जो है बाबा रामदेव का प्रचार करें। हाँ बाबा, बाबा रामदेव से बड़ा कोई बाबा दुनिया में नहीं इस समय है। सही बात, बाबा रामदेव का प्रचार करके उन्हीं से जुड़े तो देश का काया पलट हो जाएगा। ऐसा कोई संत नहीं पैदा हुआ, ऐ लड़के वहाँ बोलना मत, कोई संत पैदा ही नहीं हुआ जो करोड़ों लोगों को लाभ पहुँचाया हो घर बैठे। तो उनके आदमी होंगे, सरकार उनकी बनेगी अगर, तो कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए हर गांव को हर साल देंगे, वो कोई गांव बचेगा नहीं, सारे टैक्स को ख़त्म कर देगा। ना उनके लड़का ना बच्चा ना मेहरिया, वो तो हम उनका अवतारे मानी बालकृष्ण महाराज हैं, इतने बैद हुए कितने मर के चले गए, आज तक कोई किसी को बताया किसी बता रहे हैं ये लाभ है, ये लाभ है। गरीब दुनिया बहुत काम कर रहे हैं बाबा, बदमाशी न करो, नहीं बहुत मारा भैया, थोड़ा बाहर भी तो बांटे देव, हटो है बूढ़ा, अरे हटो हटो, हमारा चप्पल तो निकाले देव, हटो चप्पल निकालो, हटो हटो चप्पल निकाल ले जरा, मार गप्पल चप्पल देखो सब उतर जा। अरे सब देखो कैसा फसाए हैं, जहाँ जो बात आई वो कहीं से नहीं आएगी।
राम जोग क्या प्रचार करो? सामने ना सामने नहीं सामने ऐसी अलग हाथ इन हो तो भैया सब बंदर रहे तो वही ऐसी फिर चो सब बंदर रही अच्छा वो चल रहा है भैया बीच में बैठ गया है अच्छा बाबा खा पानी पिया हुआ जाए भैया घुमा घुमाइए घुमाइए सब है तो अब आप लोग बाबा रामदेव का प्रचार करेंगे ना इसलिए बाबा रामदेव से हम भी आग्रह करेंगे कि बिहार में बाढ़ आया तो लाखों लोगों को उन्होंने जो भोजन दिया वो बिहार सरकार नहीं दे पाई जो बाढ़ पीड़ितों का भी पिछले साल की बात तो बाबा से मैं ये आग्रह करूँगा कि एक गाड़ी की व्यवस्था करें जो मोटरसाइकिल से बताइए हम सामान लेके आवें कि हम आवें रायबरेली से इतनी दूर आना कि बाबा जी कोई गाड़ी का इंतजाम करें चाहे वो तीन पहिए की गाड़ी हो आप लोग भरे चाहे तीन पहिए की ही गाड़ी हो वाहन हो तो आप लोग जो हैं इसका प्रचार करें बिल्कुल बाबा रामदेव के जो उनका वो क्या भारत स्वाभिमान आंदोलन जो उनका चला रहे हैं करोड़ों आदमी बाबा रामदेव से जुड़ गया अगर तो बाबा के न लौटा न बच्चा न मेहरिया बाबा का करिए दौलत लेके ऐसे बाबा को ही हमको बाबा रामदेव की जय बाबा रामदेव की जय आचार्य बालकृष्ण महाराज की जय जय और एक उनके सलाहकार एक हैं राजीव जी जो कानूनी बातें सब बताते हैं तो ये लोग महान लोग हैं इनको भगवान ने हम तो इनको अवतारी ही पुरुष मान रहे हैं करोड़ों लोगों को घर बैठे आज तक ऐसा दुनिया में हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई बाबा नहीं पैदा हुआ जो करोड़ों लोगों को भला किया हो तो बाबा का ये कहना है कि जिस दिन उनके आदमी सरकार में जाएंगे हर गांव को हर साल 15 करोड़ देगा चाहे इतना बड़ा गाँव हो और चाहे इतना बड़ा गाँव हो 15 करोड़